नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले, फायदा उठाया ना जो बाहर के हैं, उन्होंने गए थे कर्तव्य पथ पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है, और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे, कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्कार। माय नेम इज अश्विनी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ
केंद्र विद्यालय नंबर 2 मदुरई तमिलनाडु माय क्वेश्चन टू यू सर इज हाउ डू आई डील विद माय फैमिली डिसअपॉइंटमेंट इफ माय रिजल्ट्स आर नॉट गुड व्हाट इफ आई डोंट गेट द मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज आल्सो नॉट एन इजी जॉब एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स बिकम सो हाई दैट द पर्सन हु इज गिविंग एग्जाम गेट्स सो मच स्ट्रेस एंड दे गो इनटू डिप्रेशन Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Dhanyavad, Ashwini. Honorable Prime Minister, sir. Navtej Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history. An amazing architectural style. Navitesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navitesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Navitesh Jagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश. माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं. प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है. मैं रवीन बालिका प्लस 2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ. मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है. इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ. इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें. धन्यवाद. धन्यवाद प्रियंका. माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं. अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गुगली बॉल होता है. निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है. मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो. अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है. उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक है तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे. और कभी कभी मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं. और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है. दूसरा, आप अच्छा करेंगे
तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए, चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए? क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का छक्का सिक्सर। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है? क्या ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है, फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना, वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए एंकर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहें, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर।
धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूं तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, परीक्षा और नो परीक्षा। आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए, और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर तीन विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा, मैंने दो दो घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं, और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था, पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, यूं यूं खींचेगा क्या, ताकत लगाएगा क्या, ऐसा नहीं करेगा। वो तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा मजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है, और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप
उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है, और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर गाइडिंग अस टू बी मेथोडिकल एंड सिस्टमैटिक इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव स्टूडेंट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, रुपेश कश्यप हेलिंग फ्रॉम बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर इज डिस्टिंक्टिव ट्राइबल आर द एंचेंटिंग चित्रकूट वॉटरफॉल्स इन द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ बैम्बू। Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance. Rupesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kasyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English. Camera us bachchi pe lagaiye, ha. From Swami Atmanand Government English Medium School, Darbha, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the heritage city of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent conch-shaped layout, Rath Yatra, and serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawahar Navoday Vidyalay, Konark, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Tanmay, Manini Pradhan Mantri Ji, Rupesh aur Tanmay, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए, खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं
कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए, करते हैं ना, ऐसे टीचर होते हैं ना, नहीं होते तो बोलिए ना। हाँ, और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो टाइम लगाते हैं लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उतनी छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई कोई एग्जाम देनी पड़ती है, कितनी जगह पे नकल करोगे जी। और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकाध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है, हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए लेकिन कहीं कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एकाध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू दो चार मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों। एग्जाम है तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना वहां ब्रिज होता है, तुम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं,
कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके वचन सीधे हमारे हृदय में उतर गए हैं, आपका धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, फ्रॉम पलाकाड द लैंड ऑफ पैडीफील्ड्स वेयर द जेंटल ब्रीज कैरीज द अरोमा ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल केरला म्यूजिक, सुजल के सीक्स योर गाइडेंस। सुजल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम तेजस सुजय है, मैं 9वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय कंजीकोड एर्नाकुलम संभाग का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी हैं? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए, धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू सुजल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, क्या सवाल था उनका? क्या पूछ रहे थे सर? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। थैंक यू सर। अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कौवा पानी पीना चाहता था लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था, तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस गड्ढे में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना, और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करे परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था, तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने व्यवस्था की कि आप उसको लेके जाइए। अब सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी, हम अब ढेर सारी कोशिशें किए, धक्के मारे, ये क्या दुनिया भर का हार्ड वर्क किया,
ठीक है, हमारी जीप नहीं चली, 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया। और फिर वो कहे साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले साहब ये 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है। अब हम हार्ड वर्क कर रहे थे, जीप नहीं चल रही थी, उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्ट टाइट करने थे, हार्डली उसको 2 मिनट लगा होगा जी, गाड़ी चल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज बड़ी मेहनत मजदूरी से करेंगे तो होगा। ऐसा आपने देखा होगा पहलवान जो होते हैं, यानी जो खेलकूद की दुनिया के लोग होते हैं, उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है, उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है। जो ट्रेनर होता है उसको मालूम है, अब जैसे विकेट कीपर होगा तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है। अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता है, होता है कि नहीं होता है? एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ के बैठना होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, टिकना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो उन स्पेसिफिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा। और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्डवर्क तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं तब जाकर के प्रणाम देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर इंसाइटफुल गाइडेंस ऑन चूजिंग कंसिस्टेंट हार्डवर्क इन आवर लाइफ। माननीय प्रधानमंत्री जी, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात साइबर सिटी हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर गुरुग्राम की छात्रा जोहिता पात्रा सभागार में उपस्थित है और आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। जोहिता कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज जोहिता पात्रा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुग्राम हरियाणा। It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pe Charcha 2023. Honorable Prime Minister sir, my question to you is, being an average student, how can I focus on my studies? Kindly guide me on this issue. Thank you sir. धन्यवाद जोविता। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोविता पात्रा एक एवरेज स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में कैसे बेहतर करें इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको पता है कि आप एवरेज हैं। वरना ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं
जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तिशमार का मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिताजी को भी बधाई देता हूं। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हां भी मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा। मुझे बहुत बड़े तिशमारखा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं ना, तो हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर्स ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है, और मैं तो चाहूंगा हर मां बाप से, आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए। उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको कह, नहीं नहीं भैया अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, ये चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो। उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। और इसलिए हमें कभी भी ये सोचना, दुनिया में आप देखिए ज्यादातर जो लोग सफल हुए हैं वो क्या है जी, वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे जी, असामान्य काम करके आए हैं, बहुत बड़ा परिणाम लेके आए हैं। अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों की चर्चा हो रही है, कौन देश कितना आगे गया, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है। और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थव्यवस्थाओं की कमी है, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर हैं जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसा करने से ऐसी आर्थिक स्थिति, कोई कमी नहीं है। ज्ञान का प्रवाह बांटने वाले तो हर गली मोहल्ले में आजकल अवेलेबल है, और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ऐसा? लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है दोस्तों। और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे
आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा ही होगा। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनके भीतर भी कुछ न कुछ एवरेज होगा। हरेक के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आके निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर वंडरफुल एनकरेजमेंट टू मेक मेनी स्टूडेंट्स एंड इंडियंस फील वैल्यूड एंड चेरिश्ड। Honorable Prime Minister Sir, Mannat Bajwa hails from the capital city of Chandigarh, famed for its remarkable blend of urban planning with modern architecture and the scenic rock garden of the legendary Nek Chand. She seeks your guidance on a fundamental issue that affects many students like her. Mannat, please ask your question. Mananiya Pradhan Mantri Ji, Namaskar. Mera naam Mannat Bajwa hai. Main सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जब मैं अपने आप को आप जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर रखकर कल्पना करती हूँ, जहाँ भारत जैसे देश को चलाना, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है और जहाँ अपनी राय रखने वालों की बहुतायत है, आपके बारे में नकारात्मक राय रखने वाले लोग भी हैं, क्या वह आपको प्रभावित करते हैं? यदि हाँ करते हैं तो आप आत्मसंदेह की भावना से कैसे उभरते हैं? मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू मन्नत। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, अष्टमी सेन रिसाइड्स इन साउथ सिक्किम, एन एरिया फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी एंड ट्रैंक्विल अनडिस्टर्ब्ड स्नो क्लैड हिमालयाज। शी ऑल्सो रिक्वेस्ट योर डायरेक्शंस ऑन आइडेंटिकल मैटर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अष्टमी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अष्टमी सेन है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा देवी पब्लिक स्कूल रंगीत नगर दक्षिण सिक्किम से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलोचना करते हैं तो आप कैसे इनका सामना करते हैं, जबकि मैं अपने अभिभावकों की शिकायतों एवं निराशाजनक बातों का सामना नहीं कर पाती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सेन। थैंक यू अष्टमी। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि गुजरात की कुमकुम प्रताप भाई सोलंकी आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं और इसी तरह की दुविधा में हैं। कुमकुम आपसे मार्गदर्शन चाहती है। कुमकुम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सोलंकी कुमकुम है। मैं कक्षा 12वीं श्री हडालाबाल हाई स्कूल जिला अहमदाबाद गुजरात की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आप इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आप इन चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं? कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू कुमकुम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आकाश जरीरा लिव्स इन द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, Bengaluru, known for being a perfect gateway to a plethora of activities, both traditional and modern. Through his question, he seeks your advice on a somewhat similar matter that has been concerning him for a while. Akash, please ask your question. नमस्ते मोदी जी, मैं आकाश दरीरा, 12वीं कक्षा व्हाइटफील्ड ग्लोबल स्कूल बैंगलोर से। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मेरी नानी जी कविता ए माखीजा मुझे हमेशा सलाह देती है आपसे सीखने के लिए कि आप कैसे विपक्ष के लगाए हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं। आप ऐसे कैसे करते हैं मोदी जी? कृपया हम युवाओं को भी प्रेरणा दे ताकि हम जीवन के हर परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू आकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जीवन करोड़ों युवाओं का प्रेरक रहा है। मन्नत, अष्टमी, कुमकुम और आकाश, जीवन में आने वाली चुनौतियों में कैसे सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त करें, इस विषय पर आपका अनुभव जानना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोग एग्जाम देते हैं और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैठते हैं
कभी टीचर से निकट नाता है तो उनसे बैठते हैं, और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया तो आपका पहला रिएक्शन होता है ये आउट ऑफ सिलेबस था, यही होता है ना, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खतरा है, इसलिए बड़ी चतुराई से आपने मुझे अंदर लपेट लिया है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, और इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, मालूम है ना, ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें डालते हैं, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अलाउ किया जाता है कि देखिए भी हमने किया है, हम यहां जाकर के अटके हैं, हो सकता है कुछ कमियां होगी, तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करते हैं, और काफी लोगों के प्रयास से वो एकदम से समृद्ध एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे, बाउंड सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करेगा तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए, और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका एक रिएक्शन होगा। और एक स्टूडेंट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हमेशा आते हैं उसको देखते ही, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहेगा देखो ये क्या पहन के आया है, कैसे पहनते हैं क्या, तो आपका एक दूसरा रिएक्शन होगा। क्यों? जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो ही कह रहा है लेकिन आपको गुस्सा आता है, तू कौन होता है, मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या?
मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए मां बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ न बोलते हुए मां बाप ऑब्जर्व करते हैं। फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं, अरे यार देख बेटे, तुझमें इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ है, देख तेरी शक्ति यहां क्यों जा रही है। तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आ जाए। लेकिन आजकल मां बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं। और जो गुस्सा आपको आता है ना, वो टोका टोकी का आता है, कुछ भी करो। खाने पे बैठे हैं, कुछ भी कहेंगे, ये खाया तो भी कहेंगे, नहीं खाया तो भी कहेंगे, यही होता है ना। देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़े के घर जाके क्या है। टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब मां बाप से मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए, उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इतना मन से कुछ उस दिन अच्छे मूड में है, कुछ अच्छा करने के मूड में है, और आपने सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, शुरू कर दिया, तू तो ऐसा ही है, फलाना देख कैसा करता है, तुरंत सुबह अपनी मां कहती है ऐसे दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग फटकता है, वो दिन भर का उसका काम है बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इंपॉर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में बॉल खेल लिया छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड में अपने विषय पे चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है, ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने, आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है,
लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए, आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए, वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ने करोड़ों देशवासियों को नया मार्ग दिखाया। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, तालों के शहर भोपाल के दीपेश अहिरवार आभासी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। दीपेश, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम दीपेश अहिरवार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आजकल बच्चों में काल्पनिक खेल और इंस्टाग्राम की लत एक सामान्य सी बात हो गई है। ऐसे समय में यहाँ अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? माननीय सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम बिना ध्यान भटकाए अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? मैं इस संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, अदिताभ गुप्ता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है। अदिताभ हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं। अदिताभ, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अदिताभ गुप्ता है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे भी हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे फोकस करें और सोशल मीडिया पे कम करें, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जितनी अभी हमारे टाइम पे है। धन्यवाद अदिताभ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कामाक्षी राय ऑन अ सब्जेक्ट दैट इज सेंट्रल टू मेनी स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन हैज बीन सिलेक्टेड बाय रिपब्लिक टीवी। कामाक्षी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Greetings, Prime Minister and everyone. I am Kamakshi Rai, studying in class 10th from Delhi. My question to you is, what are the different ways that can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times? Thank you. धन्यवाद Kamakshi. माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रश्न का चुनाव ZTV द्वारा किया गया है। मनन मित्तल हमसे आभासी माध्यम से जुड़े हैं। मनन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं मनन मित्तल DPS बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक प्रश्न है। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह, हम इससे कैसे बचें? ये स्टूडेंट है क्या? वो गैजेट में खोते रहते हो गए। धन्यवाद मनन। माननीय प्रधानमंत्री जी, दीपेश, अदिताभ, कामाक्षी एवं मनन परीक्षा में आने वाले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है,
जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। दूसरा, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं, 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर, क्या होता है? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कोई रील देखते नहीं है? नहीं देखते हैं ना, तो फिर शर्माते क्यों हो, बताओ ना, निकलते हैं क्या बाहर अंदर से? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है, उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं। और इसलिए लोग तो मैंने देखा है, अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया, पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना, उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है, आपके भीतर का सामर्थ्य। अब आपने देखा होगा, पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे, पहाड़ा बोलते हैं ना, हैं? और बड़े आराम से बोलते थे। और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना, तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़े बोल देता है, अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हाल हो गया है, हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है, क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया, यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा, अदरवाइज
धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें, मुझे ये आता है कि नहीं आता है। वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है वो। हम तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप दूसरा, हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है। कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उस तरफ जाएंगे ही नहीं, आपने देखा होगा कई परिवार होते हैं घर में बड़ा दसवीं बारहवीं एक बड़ा टेंशन शुरू में ही हो जाता है। सारे कार्यक्रम तय करते हैं परिवार वाले, नहीं भाई अगले साल कुछ नहीं है, वो दसवीं में है, वो अगले साल कुछ नहीं है, वो बारहवीं में है, ऐसा ही चलता है घर में। और फिर टीवी पे भी कपड़ा लगा देते हैं, हाँ नो टीवी, क्यों एग्जाम है, दसवीं के एग्जाम है, बारहवीं के एग्जाम है। अगर हम इतने जागरूक होकर के टीवी पर तो पर्दा लगा देते हैं, लेकिन क्या हम स्वभाव से तय कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसमें से जो फायदा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए, धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा। उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में माँ बेटा बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी एक बात बता रहा हूं ना, माँ भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। देखा होगा आपने घर में सब बैठे हैं साथ में, लेकिन हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है, वो उधर देख रहा है ये इधर देख रहा है, यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा जी? पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे, अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां है इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है घर में भी, क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए, ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रख के आओ और वहां आराम से बैठेंगे बातें करेंगे, नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो मोबाइल बाहर के आओ, यहां ऐसे बैठो। आप देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर शेयरिंग सच लाइट हार्टेड मंत्रा ऑफ डिजिटल फास्टिंग टू टैकल चैलेंजिंग सिचुएशंस इन सच एन इजी मैनर। माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यूनियन टेरिटरी जम्मू से निदा हमसे आभासी माध्यम से जुड़ रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं।
निदा अपना प्रश्न पूछे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर नमस्कार, आई एम निदा ऑफ क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सुजवा जम्मू। Sir, my question is, when we work hard but do not get the desired result, then how can we put that stress in a positive direction? Respected sir, have you ever been through such a situation? Thank you. धन्यवाद निदा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रशांत कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन जिला पलवल हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है, मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद प्रशांत। माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण, एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए कि मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है, आप बहुत अच्छा करके आया हूं, तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे, अभी अभी तो बता दो उनको। और उसका परिणाम ये आता है कि वैकेशन का जो टाइम होता है परिवार ने मान लिया होता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी, वो अपना जोड़ते रहते हैं। जैसा मेरा बड़ा बड़ा, और एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं, और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क फिर तूफान खड़ा हो जाता है। और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे, और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा, वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड जो मानदंड है ना वो सेट हो जाता है, उसे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है, दिन रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं, तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए, सीखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा
जीवन की तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी, अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पर ले जाएगी, अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। धन्यवाद। Who is a teacher? Request your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णमूर्ति वॉल स्कूल कटक ओडिशा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण पढ़ाई के लिए कैसे आकर्षित करें तथा जीवन का सार्थक मूल्य कैसे सिखाएं, साथ ही कक्षा में अनुशासन के साथ पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, सुनन्या त्रिपाठी विशेस योर गाइडेंस ऑन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। ये सवाल टीचर का था? जी सर, हाँ सही था ना। देखिए, आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला आपने पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर, तो देखा होगा आपने। मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बता, तो आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कात की तरफ, ए खड़ा हो जा, क्यों ऐसे बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढिकना कर रहा है, यानी पूरी 5-7 मिनट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विषय याद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी, वरना फिर मानो कोई हंस पड़ा उसको पकड़ेंगे, क्यों हंसता है तू, अच्छा आज भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा, अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, है? मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना है? और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है, क्योंकि उसने पूरी तरह टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है।
जरूरी दो चार चीजें सीख ली और इधर उधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है। सर्दियों में भी पसीना छूट जाता है उसको, उसको लगता है कि ये बच्चे। और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है दूसरों पर एक्स्ट्रा रौब जमाना ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है, ये हमारा भ्रम है। टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है। आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए, उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत दीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तूने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा, ऐसा करो हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा, ये विचार तुम्हें कहां से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा, जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, पूछ लूंगा और फिर मैं तैयार होकर के आऊंगा, फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अच्छा भाई तुम्हें ये विचार आया कहां से, इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें। उसको पुचकारते हो फिर कहिए, देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है। वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है। अगर एकाध गलत बात बता दी, एकाध गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है, हमने बाद में भी बताए तो चलता है। दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है। क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना रुआब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना उसको पूछेंगे, बताओ तुम समझे कि नहीं समझे, तो आ करता रहेगा, तू तुम में चलेगा तो फिर वो डांट देंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तुमको वो समझ नहीं आ रही है। अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट है उनको कहता, अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको, वो बढ़िया से समझाएगा, तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा। और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कॉम्पिटिशन शुरू होगी, स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिशन शुरू होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्लास में भी कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला ले, अलग बुला करके बात करे, प्यार से बात करे, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, अब चलो आज खेलो, मेरे सामने खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा, मैं भी देखूं क्या खेलते थे। अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया तो फायदा होता नहीं होता, उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता, वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी।
लेकिन उसके ईगो को आपने अगर हर्ट किया तो फिर दिमाग फट गएगा। कुछ लोग चतुराई भी करते हैं, चतुराई भी कभी कभी काम आती है। जो सबसे शरारती लड़का होता है उसी को मॉनिटर बना देते हैं, बनाते हैं ना, वो मॉनिटर बन जाता है तो भी उसको भी लगता है यार मुझे तो थोड़ा ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा, तो वो फिर खुद को अपने आप को जरा ठीक करता है और सबको ठीक रखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी बुराइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमेटली परिणाम ये आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी सुधर जाता है। तो अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लिन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए, हमें अपनापन का ही रास्ता चुनना चाहिए। अपना रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी सरलता एवं गहराई से जीवन मूल्यों की प्रेरणा पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं दिल्ली से श्रीमती सुमन मिश्रा, जो कि एक अभिभावक है, वे सभागार में उपस्थित है और आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहती हैं। मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मायसेल्फ सुमन मिश्रा। सर, आई सीक योर एडवाइस ऑन हाउ शुड अ स्टूडेंट बिहेव इन अ सोसाइटी। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्टूडेंट सोसाइटी में कैसे बिहेव करें, यही पूछना है ना आपको। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दायरे में रखना चाहिए। हम किस सोसाइटी की बात करते हैं? जो हमारा सर्कल है, वो जिनके बीच हम बैठते उठते हैं, कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं, टेलीफोन पर घंटे बिता देते हैं, अगर उस लिमिटेड वर्तुल की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा, भाई यहां जूते पहन करके आओ, यहां जूते निकालो, यहां इस ढंग से व्यवहार करो, यहां उस ढंग से करो, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है, उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार हो होने देना चाहिए। मैंने तो कभी कहा था, शायद परीक्षा पे चर्चा पे ही कहा, कहीं और कहा मुझे याद नहीं है, मैंने कहा था कि 10वीं 12वीं की एग्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहोगे, लो ये पैसे तुम्हें इतना देते हूं और 5 दिन के लिए तुम इतनी जगह पे घूम करके वापस आओ और वहां के फोटो, वहां का वर्णन सब लिख करके ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ, आप देखियो बच्चा बहुत कुछ सीख करके आएगा, जीवन को जान करके उसमें विश्वास बढ़ेगा, फिर वो आपको ये नहीं चिल्लाएगा। और 12वीं का है तो उसको कहो तुम राज्य के बाहर जाकर के हुआ, देखिए ये इतने पैसे हैं, ट्रेन में जाना है, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, सामान इतना होगा, ये तुझे खाना दे दिया है, जाओ इतनी चीजें देख करके आओ और आकर के सबको समझाओ। आपने सचमुच अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए, उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तुम उसको मिले क्या, जाओ उसके घर जाके मिलके आ जाओ, फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिलके आए क्या, अरे जाओ जरा मिलकर के आओ। उसको उसकी उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले
कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं ना, है? पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको। हमारे यहां छुट्टियों में रहता था कि मामा के घर जाना, फलानी जगह पे जाना, ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है। हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें, हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हां हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को, वो एक अमानत के रूप में, ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है, ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तुझे ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा कि मान लीजिए आप क्या वो सांप छसुंदर वाले लोग आते हैं, कभी बच्चे को कहो भाई तुम जाओ इसके साथ बात करो, वो कहां का रहने वाला है, कहां से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, वो उसको पूछ करके आओ, उसकी संवेदनाएं जग जाएगी जी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना सहज बन जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए आप, उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर इंस्पिरेशनल इनसाइट्स इन मैटर्स दैट हैड बीन कंसर्निंग मेनी एग्जाम वॉरियर्स एंड फॉर मेकिंग एग्जाम्स नॉट अ रीजन टू वरी बट अ सीजन टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय। This brings us to the culmination of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement, a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit. Pradhan Mantri Ji Dwara, Pariksha Pe Charcha Ne, हमारे जैसे करोड़ों बच्चों की बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवृत्ति को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, कोटि कोटि धन्यवाद।